18 तारीख को हम यहाँ आए थे कश्मीर की विजिट पर और 21 तारीख तक हमारा विजिट रहा है। एक ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफिशियल रिलीजियस मीटिंग की है, उसके बाद एक गवर्नमेंट ऑफिशियल मीटिंग की है वेरियस डिपार्टमेंट्स से, उसके बाद हमने कुछ प्रोजेक्ट वगैरह किए, कुछ स्कूल्स को विज़िट किया, हजरत बाल दादा को विज़िट किया और कुछ ज़्यादा समय बिताना था यहाँ पर, लेकिन कल हमारा कोर्ट का हियरिंग है इस वजह से आज ही टूर का ये जो विजिटिंग यहाँ से पूरा हो रहा है। और हमने जो एक्चुअली सेंटर ने कश्मीर के लिए स्पेशल ले दिया उसके बारे में मैं आपको दो मिनट में ब्रीफ करती हूँ कि 2021 और 22 के लिए कश्मीर के लिए कितने फंड रिलीज हुए हमको। ये प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम PMGVK के लिए, इसके लिए 19 प्रोजेक्ट्स यहाँ पर टोटली हमको सैंक्शन हुए हैं और टोटल प्रोजेक्ट का कास्ट 314.33 लैक्स है। सेंटर शेयर इसमें 282 लैक्स है। फंड रिलीज हुआ अभी तक 141.44 लैक्स और प्रोजेक्ट अप्रूवल हुए कश्मीर के लिए, इसमें एक जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए हेल्थ सब सेंटर्स के लिए 4 एडिशनल, क्लासरूम के लिए 11 और आंगनवाड़ी सेंटर्स 4, इसके लिए फंड सैंक्शन हुआ है सेंट्रल सेंट्रल से। और फ्री कोचिंग जो बेनिफिशियर्स है हमारे यहाँ, जिसका 2021-22 में 50 बच्चे हमारे कश्मीर से बेनिफिशरीज है और इनके लिए हम 39 लैक्स सैंक्शन की है सेंट्रल गवर्नमेंट से। और स्कॉलरशिप भी हुआ है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है 2021 और 22 के लिए, जिसमें हमने 76.94 करोड़ सैंक्शन किए हैं और पोस्ट मैट्रिक के लिए 26.3 करोड़ सैंक्शन हुआ है अभी तक। मेट्रिक कम मेंस स्कॉलरशिप के लिए 23.23 करोड़ सैंक्शन हुआ है। नई उड़ान स्कीम है, जैसे आप सब जानते हैं ये लोगों को आर्टिस्ट के लिए, जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, ये जो UPSC SSC इनके लिए कोचिंग दी जाती है बच्चों को, उसमें हमारे कश्मीर से 315 बच्चे अभी तक क्वालिफाई हुए हैं, ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। और उस्ताद स्कीम है जो बेनिफिट अभी तक सरकार ने यहाँ पर 18 करोड़ सैंक्शन किए हैं और इसके बेनिफिट 3,330 मेंबर्स है, स्कीम है जिसमें 38 करोड़ रिलीज किया है सेंट्रल से, जो 7,750 बच्चे बेनिफिशियर्स हैं इसके लिए नई मंजिल स्कीम के लिए। और नई रोशनी है, इसमें बेनिफिशियर्स 2,450 है, जिसमें 53 करोड़ सेंट्रल ने सैंक्शन किए हैं। और नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है जिसके लिए 35 करोड़ सैंक्शन किए हैं अभी तक, इसमें रिलीज हुए हैं इसमें 2,667 बेनिफिशियर्स है। सो ये जो हमारे 2021-22 का है। और कुछ विषय पर हमने जब बात की थी रिलीजियस मीटिंग में तो कुछ मसले आए थे, उस विषय पर हमने सरकार से यहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनसे बात की है इस विषय पर, ख़ास करके माइनॉरिटियों को जो सिख माइनॉरिटी है यहाँ पर उनके लिए सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, इस विषय पर हमने यहीं पर नहीं, ये मसला बिहार में भी हमने देखा है। तो हमने NCM से पूरे ऑल स्टेट चीफ सेक्रेटरीज को गवर्नमेंट को ये रिकमेंड किया है कि मैं सिखों को माइनॉरिटी सर्टिफिकेट दें। और कुछ वाटर का वगैरह प्रॉब्लम था, हमने बताया है उसको तुरंत सॉल्व करने के लिए और मीटिंग ठीक रही। और कुछ और प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते जाएंगे तो उसका फ़ायदा लोगों को तक पहुंचेगा। अभी तो सब ठीक है, दरगाह को विजिट करे थे, अच्छा दिखा और बाहर के लोगों से भी बात किया।